बस अभी थोड़ी ही देर में होने वाला है 3 अक्टूबर के दिन इस पैंडल का उद्घाटन। बस उससे पहले ही मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप ये वीडियो जब तक देख रहे हो उसके बाद सुबह के टाइम में एक और वीडियो आ चुकी होगी। सो नाउ फाइनली ओपन हुआ संतोष मिश्रा स्क्वायर का 11D वाला पैंडल पब्लिक के लिए। चली रही है, कुछ लाइट्स ऑफ है कुछ लाइट्स ऑन है, बट हाँ कलर्स के साथ ये कितनी अच्छी मतलब तरीके से इसको डेकोरेट करा गया। लाइट्स पूरा का पूरा भी काम वहाँ तक करना बाकी है, देखो आप आपको समझ आ रहा हो, वहाँ तक काम करना बाकी है और ये काम अभी चल ही रहा है, इसलिए कुछ लाइट्स ऑफ भी है और कुछ लाइट्स ऑन है। कोलकाता दुर्गा पूजा, यानी नाम सुनते कुछ दो तीन पैंडल, यानी श्रीभूमि, संतोष मित्रा स्क्वायर, कल्याणी, ITI मोड, ये 3-4 पैंडल्स की लिस्ट मन में सबसे पहले आती है। और इसमें संतोष मित्रा स्क्वायर ना है जहाँ पर 2023 में बना था राम मंदिर, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? और इस बार 2024 के टाइम में बन रहा है अमेरिका के द लास वेगास में लोकेटेड द स्पेयर ऑडिटोरियम हॉल, जो कि यहाँ पर 11D में लाइट्स के साथ डेकोरेट किया गया। ये देखो अभी यहाँ पर खेल करा जा रहा है स्पाइडर मैन का मास्क का, और ये सारी की सारी चीज़ें कैसे हो रही है, लाइट्स की पिक्सल्स जो LED कॉइन्स होती है ना उनसे बनाई गई है ये पूरे का पूरे पैंडल को, और अभी पूरा का पूरा हमें स्पाइडर मैन का मास्क ही दिख रहा है इस पैंडल के ऊपर। कितना अच्छा सुंदर लग रहा है देखने में, ये कहने की बात नहीं है यार। अगली बार जब राम मंदिर बनाया गया था उसको भी मतलब टोटली जो फिनिशिंग हुई है ना वो लाइट्स के द्वारा हुई थी, और लाइट्स के कारण ही वो पैंडल बहुत ही गजब का फेमस हुआ था। और ये पैंडल भी ना ये लाइट्स की करामात टोटली आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाला है। एंड आज 3 तारीख के दिन यानी 3 अक्टूबर को संतोष मित्रा स्क्वायर के द स्पेयर वाले इस ऑडिटोरियम हॉल के पैंडल का आज उद्घाटन है, और उद्घाटन के पहले ना कुछ लुक ऐसा दिख रहा है पूरा का पूरा इस लेबुतल्ला पार्क का। यार अभी जो लाइट्स मतलब शो करी जा रही है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ये देख रहे हो नॉर्मली RGB कलर्स होती है रेड ग्रीन ब्लू, बट यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू नहीं यूज़ करी जा रही, यहाँ पर बहुत सारी वेरियस टाइप की लाइट्स हैं। कुछ आपको स्काई ब्लू हो जाएंगी, आपको सी ग्रीन कलर हो जाएंगी, हल्का वायलेट कलर हो जाएगा, बहुत सारी कलर्स को यूज़ करा गया है, और बीच से मतलब ये स्टार टाइप का शेप बन रहा है, और फिर पीछे की तरफ सारा का सारा जो लाइट्स है वो आउट हो रहा है। ये क्या है, तो फुटबॉल लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा फुटबॉल लग रहा है यार सच को तो। ये देखो ये वाला इमोजी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बट ये येलो कलर में रहता नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। ये इमोजी का मैंने वीडियो पिछली वीडियो में डाला था जब कलर हो रहा था, ये लो आई लव इंडिया, आगे आई लव इंडिया, यार सब प्यार करते हैं इंडिया से। ये देखो ये वाला इमोजी मुझे सबसे खास लगा था, ये जब मतलब ये एक रियल वीडियो भी है जो कि संतोष मित्रा ये जो जो ऑडिटोरियम है ना 10 पेयर वाले ऑडिटोरियम पर ये वाला इमोजी शो होता है, और सेम यहाँ पर भी वही चीज़ शो हो रही है, बहुत गजब लगती है। इसको वहाँ से मैनेज करा जा रहा है, वहाँ मैं दिखाता हूँ, वहाँ से मैनेज करा जा रहा है सारी इन लाइट्स को बैठ के, और यहाँ पर इसे शोपीस करा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा खासा लग रही है। कुछ ही देर के बाद पैंडल का उद्घाटन है, सो आपको उद्घाटन की वीडियो दिखाएंगे, और सबसे पहले आप पैंडल से रिलेटेड कुछ वीडियोस देख लो। आज 3 अक्टूबर को जब पैंडल का उद्घाटन है यहाँ पर लाइट्स की काम अभी भी थोड़ी थोड़ी बाकी रह गई है जो कि चल रही है, और ये इमोजी मैंने जैसे बताया पहले भी कि ये इमोजी मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है पैंडल के पास। टोटली ये इमोजी ना रियल वाले ऑडिटोरियम हॉल पे भी ये इमोजी चलता है। अभी थोड़ी थोड़ी लाइट्स मतलब बंद है, देखो दिखाता हूँ LED कॉइन से, ये थोड़ी थोड़ी बंद है, यहाँ पर स्विच ऑफ है, यहाँ पर ऑफ है, और ऊपर की साइड में लास्ट काम को फिनिशिंग दिया जा रहा है, ऊपर की साइड में टोटली लास्ट काम चल रहा है, एंडिंग की टाइम मतलब एंडिंग का टाइम आ चुका है इस पैंडल के और वर्क का। নিচে পোর্শনটা যদি দেখা যায় এখন কিন্তু ধামাকা, পুরো ধামাকা দিয়ে কিন্তু যে লাইটিং সব সেটা কিন্তু এখানে প্রিপেয়ার হচ্ছে। আর যদি একবার দেখো, পোকেমন আ গেয়া দেখতে পাচ্ছি, পোকেমন
ये रहा सामने से संतोष मित्रा स्क्वायर का पैंडल और पैंडल की टोटली लाइट की इंटरफेस सामने की साइड से। ये लाइट्स टाइम टाइम पर इतनी गजब की चेंज हो रही है, इतनी गजब की इमोजीज वगैरह चेंज करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खास लग रहा है। सच कहें तो ये पैंडल अमेरिका के मतलब लास वेगास में लोकेटेड ना दसपेयर ऑडिटोरियम के तर्ज पर बनाया गया है। ये पैंडल वहाँ पर LED पिक्सल्स मतलब रियल अगर ऑडिटोरियम हॉल की बात करें तो वहाँ पर LED पिक्सल्स का यूज़ करा गया है। लाखों करोड़ों LED पिक्सल्स होंगे, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है LED कॉइंस लाइट। एक कॉइन के अंदर मतलब एक कॉइन का जैसा लाइट है, और उस लाइट के अंदर ना एक एक लाइट के अंदर चार लाइट्स यूज करी गई है, छोटी छोटी LED लाइट्स। और बहुत ही खासा देखो, आप कैमरे में तो नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन ऐसे अगर सामने की साइड से आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक लाइट्स के अंदर चार चार कॉइन्स जो छोटी छोटी लाइट्स है ना, वो आपको विजिबली होंगी सामने की साइड से। कैमरे में उतनी ज़्यादा मतलब फोकसिंग नहीं है कि वो आपको सामने की साइड से दिखा पाए। और हाँ, टाइम टाइम पर जो इमोजीज चेंज कर जा रही है, ये जो इमोजी अभी सामने की साइड चला रहा है, ये इमोजी मतलब मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगा था, येलो कलर का आंखें ब्लिंक करने वाला इमोजी। और ये स्पाइडरमैन का मास्क वाला इमोजी भी बहुत ज़्यादा खासा लग रहा है। ये आपको देखो लेफ्ट राइट ऐसे आइज घूम रही है, टोटली मैनेजमेंट लाइट्स के उस टेंट के नीचे से हो रही है। और यहाँ पर अगले साल की तरह, जैसे अगली बार राम मंदिर बनाया गया था, तो आपको पैंडल यहाँ तक बहुत आगे तक दिखा होगा, बट इस बार यहाँ एक फाउंटेन भी साथ में बनाया जा रहा है। फाउंटेन यहाँ पैंडल के ठीक सामने साइड में सेंटर में बनाया जा रहा है। और अगले साल की तरह ही वहाँ पर एक स्टेज बनाया जा रहा है, जहाँ से मतलब टोटली आपको इंटरव्यू के लिए कहा जाए तो मीडिया के लिए स्पेस दिया गया है टोटली तौर पर। और वहाँ जो लोकेशंस पे मतलब आपको जो भी पैंडल का कमेटी के लोग दिखेंगे, हमेशा पैंडल के लोग दिखेंगे, कमेटी के लोग दिखेंगे, और यहाँ के लोकल लोग दिखेंगे या नेता वगैरह दिखेंगे। और यहाँ पैंडल सामने की साइड से लोग देखने के लिए, यहाँ आप सामने की साइड से उधर से एंट्री करोगे, लाइन यहाँ ऐसे स्टार्ट होगी, ऐसे की साइड से अंदर जाना है, फिर आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस साइड से एक बाहर जाने का अलग से रास्ता है। ये लो यार पांडा भी आ गया। जितनी देर में एक बातें बोली जा रही है, उतनी देर में ये लाइट्स चेंज कर दे रहे हैं, मतलब इमोजीज चेंज कर दे रहे हैं। टोटली मैनेजमेंट उस टेंट के पास से हो रही है वहीं से, और ये बस मीडिया के लिए आउटलेट्स मतलब मीडिया आउटलेट्स के लिए जगह दी हुई है, बाकी यहाँ पर टोटली ना हो रही है। ये तो शायद पता नहीं कैसा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रही ये कौन सा जीव है भाई, बताओ जरा। ओह माय गॉड, लाइट्स की जितने भी काम अभी कंप्लीट करी गई है, उसी पर टोटली पिक्सल शो करी जा रही है, टोटली मतलब लाइट शो करी जा रही है, टोटली शो करी जा रही है कि क्या काम किया गया है इस बार। 2024 में संतोष मित्रा स्क्वायर इतना ज़्यादा क्रेज पा चुका है ना, 2023 में राम मंदिर बनाने के बाद ये पैंडल ना सबसे ज़्यादा टॉप और सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है 2024 के भी दुर्गा पूजा पैंडल के तौर पर। बस अभी थोड़ी ही देर में होने वाला है 3 अक्टूबर के दिन इस पैंडल का उद्घाटन, बस उससे पहले ही मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। आप ये वीडियो जब तक देख रहे हो, उसके बाद सुबह के टाइम में एक और वीडियो आ चुकी होगी उद्घाटन का, सो उद्घाटन देखते हैं। और कुछ कुछ काम अभी पैंडल में बाकी रह गया, जो कि कल यानी 4 अक्टूबर से आपको शायद पूरा अपडेटेड पैंडल देखने को मिलेगा, और ये फाउंटेन्स वगैरह भी तैयार मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। দুর্গা রাগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ, ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পূজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ।